किसको देने जा रहे हो? ये किसको दोगे? ब्लॉक में वीडियो को। तो सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में, आपके अपने चैनल में। खबरों को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि लोगों को जानकारी हो सके। इस वक्त मैं खड़ा हूँ विकास क्षेत्र रेउसा ब्लॉक रेउसा के ग्राम पंचायत बहनेवा गांव में, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि एक रास्ते की तस्वीर हमारे चैनल के कैमरे के माध्यम से किस कदर से वो अपने आप बदकिस्मती पर आंसू बहा रही है। और यहां पर ग्रामीण प्रधान के खिलाफ लामबंद है, पूरी बात करते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं कि ये रास्ता कहां से कहां तक है, कितना ख़राब है और कितने मीटर का है, कितना चौड़ा है, पूरी बात करते हैं जनता से। जनता का क्या कहना है? ये है जनता ग्राम पंचायत बहनावा की, पूरी तरीके से लामबंद है और इस कीचड़ में खड़े हुए हैं लोग, जो कि आप देख सकते हैं किस कदर से इनके ऊपर एक कहर बरपाया जा रहा है। यहाँ के ग्राम प्रधान का जो बताया जा रहा है पब्लिक के मुताबिक, अब पूरी बात करते हैं कि मामला क्या है, क्यों लामबंद है, आप लोगों को क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है निकलने की, बहुत बड़ी समस्या है। आप प्रधान से नहीं कहा? प्रधान से कहा था, प्रधान कहते हम वहाँ भाग छाड़े है, वहाँ छाड़े है, और कहीं बनवाई छाड़े है। मंदिर कौन बनवाने के लिए कहा था? गंगादास बाबा का। अच्छा, ये रास्ता कहाँ से कहाँ तक है? सुबोध के घर से और गंगादास बाबा का। ये सुबोध वाजपेयी के घर से लगा करके गंगादास बाबा के स्थान तक। लगभग कितनी लंबी चौड़ी होगी? ये 450 मीटर है। ये लंबी हाँ, 450 मीटर लंबी है। और ये गांव का विकास है, ये जो प्रधान जी ने कराया है, देख रहे हो आप लोग। तो प्रधान क्या कह रहे हैं? प्रधान कह रहे हैं हम जो है वीडियो के वहाँ पड़ा हुआ है, कहीं कहते हैं विधायक जी के वहाँ पड़ा हुआ है, वहाँ पड़ा है बता रहे हैं, यही बता रहे, कह रहे हैं, कहीं कह रहे हैं जिले पे पड़ा, कहीं कहते हैं अगर जो हम लगवा देंगे, अगर जो हम अपने मनरेगा के तहत लगवा देंगे तो हमारा जो है एक साल का बजट नहीं आएगा। अच्छा। एक साल तक हम जो है अपना बजट नहीं ले पाएंगे, इस वजह से प्रधान नहीं लगवा पा रहे हैं। हमारे लोगों के साथ में सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, यहाँ से लगा करके वहाँ तक कम से कम 800 लगभग बकरी लोग हैं, जो ये मेन रास्ता है, लोग पैदल जाते हैं, खेत को जाते हैं, कितनों समय जा रहे हैं, और कीचड़ इतना है, बच्चे भी कीचड़ में जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, और अगर जो गिर जाए तुरंत हाथ पैर टूट जाएगा। कितनों बार कह करके प्रधान से हार गए हैं, प्रधान ने कहा विधायक जी से कहो। मैंने 2 अक्टूबर 2023 में विधायक जी से, मैंने 2 अक्टूबर को वहाँ पर कहा गांधी पार्क पे, वहाँ पे विधायक जी ने कहा ठीक है प्रधान जी आप लिख करके दीजिए, हम इसको कराते हैं। प्रधान ने आज तक कुछ नहीं लिख करके दिया। प्रधान केवल जनता को गुमराह कर रहे हैं, हम लोगों के साथ में चुस्ती राजनीति कर रहे हैं। प्रधान, क्या नाम है आपका? हमारा नाम बाबूराम है, मैं बमनावा में रहता हूँ, हमारा आगे घर है। बाबूराम गौतम। बाबूराम गौतम। आपका क्या नाम बाबा? बाबू मिस्त्री। ज्यादातर बस्ती इस मोहल्ले में किन लोगों की है? इधर जो है इधर नाई बिरादरी की है, जागा बिरादरी की, साई बिरादरी की है, और यस्सी है, बहलिया बिरादरी की है, चमार बिरादरी की है, ये सब है जो है इधर ज्यादातर। अच्छा। है, और यहाँ पे कम से कम इसके पहले के जो प्रधान रहे, कितनी बार प्रधान रहे, कौन कौन लोग रहे? अभी प्रधान तो 25 साल रहे। उन्होंने इस रास्ते को नहीं कुछ नहीं नजर उनसे अच्छा उनसे नहीं कहा? उनसे कई बार कहा गया, तो 25 साल पहले मान लीजिए हमारे पुरखों या कोई कह रहे होंगे, तब हम थे नहीं। फिर उसके बाद में बाबा दीन प्रधान हुए, बाबा दीन प्रधान ने खड़ंजा लगवाया। अच्छा, लगवाया। अच्छा, उसके बाद में पंकज प्रधान हुए, उन्होंने कुछ नहीं किया। उनसे कहा? उन्होंने कहा कि हम करवाएंगे, उन्होंने भी कुछ नहीं कराया। ठीक। अब ये प्रधान हुए हैं बलराम नाथ उर्फ बलाऊ, ये प्रधान हुए हैं। हाँ, राजू है, राजू ने 1 किलोमीटर की RCC उधर लगवा दिया, उस साइड जो पंचवर्षीय चलवाया, उन्होंने भी जनता को झांसा में लिया और बताते रहे ये कराएंगे वो कराएंगे, उन्होंने भी कुछ नहीं कराया। फिर उसके बाद में बलराम नाग उर्फ बलाऊ प्रधान हुए 2021 में, उन्होंने कहा हम ये रास्ता बनवा देंगे। फिर उनसे हम लोगों ने कई बार कहा, बहरहाल वो जो है कहने लगे विधायक जी से कहो। हम जो विधायक जी से 2 अक्टूबर 2023 में कहा, विधायक जी से विधायक जी ने कहा ठीक है हम जो है
ये दिखवा लेंगे प्रधान जी से, कहा कि प्रधान जी हमको लिख करके दीजिए। प्रधान ने आज तक लिख कर दिया नहीं विधायक जी को, और ना विधायक। तो इसमें कौन जिम्मेदार है इस सड़क खराब होने का? खराब होने का सबसे ज्यादा तो जिम्मेदार प्रधान है। प्रधान। अच्छा, आपका क्या नाम है? श्री राम लखन। आपका? दूबर। आपका? शिव कुमार। आपका? लालता प्रसाद। आपका है जुम्मन। आपका? शाकिर अली। आपका? वसी। इकरार। पप्पू गौतम। सलाउद्दीन। सलमान। अनिल। रफीक। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि पब्लिक के किस कदर से बयान है यहाँ पर लामंद है, और इस अपने हक के लिए यहाँ पर, और प्रधान भी मौके पे आ गए हैं। अब हम बात करेंगे प्रधान से मौके पर कि प्रधान का क्या कहना है, क्यों इतना जनता नाराज है, क्योंकि उनके ऊपर विश्वास जताया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो उभर के आई कि कई प्रधान आए और बदले और वोट की राजनीति, लेकिन किसी ने इस जनता की तरफ और इस सड़क की तरफ, इस गांव की समस्या, इन लोगों की समस्या को नहीं देखा। सभी ने लालीपाप दिखाकर वोट लिया और उसके बाद सौतेला व्यवहार कर दिखाया। ये हैं प्रधान। बात करते हैं, ये प्रधान जी हैं यहाँ के मौके के, बात करते हैं और जनता के बीच सामने आए हुए हैं। जनता यहाँ की आपसे काफ़ी नाराज है, क्योंकि आप पे भरोसा किया, आपने वादा भी किया था कि हम वोट दो और हमको जिताओ, हम यह रास्ता ठीक करेंगे, क्योंकि इसके पहले जो प्रधान रहे उन्होंने भी नहीं सुना कई बार। तो ये कह रही है कि आज तक हमारी समस्या को हल नहीं हुआ, तो इनके जो आरोप हैं आपका क्या कहना है? इनके आरोप सही हैं? आरोप सही है, कई बार तो भी नहीं लगा, लेकिन प्रयास की जा रही है। तो आपने इन लोगों ने विधायक से भी बात करी, विधायक ने कहा आपसे लिख के दीजिए, आपने लिख के दिया? लिख के वही दिन दिया रहा, तो कहीं नहीं था, जस हो लगी है तैसे करवा दिया जाएगा। ये कितने मीटर का? 450 मीटर का मेन रास्ता बता रहे हैं। 400 मीटर। ये कहाँ से? सुबोध के घर से डल्ला स्थान तक है। तो आपने वादा किया था? तो वादा क्यों नहीं पूरा किया भाई? पूरा कर रहे हैं, इनका कहना है तो लकीर लगे। तो आपने अपने वीडियो से या सेक्रेटरी से बात नहीं की इसके बारे में? आज 5 साल पूरा हो रहा, बात कर रहे हैं, भगत बात कर रहे हैं, जस्ट पास होंगे पैसे करा देंगे। तब कब तक इनको ये आश्वासन दोगे कि मतलब कब तक ये बनेगा? कहीं तो है 15 दिन बाद करा, 15 दिन में। तो ये जो पब्लिक आरोप लगा रही तो क्या निराधार है? रास्ता तो जरूरी है, बहुत चाला कीचड़ भी है। जैसे कि बलराम प्रधान मौके पे आया और हमारे चैनल के साथ उपस्थित हुए और बताया कि वास्तव में जनता अपनी बात पे सही है और सही कह रही है, लेकिन हमने भी प्रयास किया है, कई जगहों पर लिखित दिया है और प्रयास कर रहे हैं। 15 दिन के अंदर आप ठीक करवा देंगे क्या? 15 दिन तो नुकसान होगा, नहीं नहीं ये खड़ंजा लगवाने की बात कही थी RCC? अगर ये RCC नहीं लगवा पा रहे हैं तो इस पर खड़ंजा लगवा दें, मिट्टी डाला के ऊंचा करा दें, तो क्या नहीं? ये अगर इनके पास बजट नहीं होगा तो क्या अपने पास से लगवाएंगे? देखो RCC बाद में भी लग सकती है, लेकिन जो मेन समस्या इस वक्त है उसको आप निपटाइए पहले। वो तो बात सही है, लेकिन प्रधान जी जनता कह रहे कि एक बार अगर ऐसे काम निपटा दिया जाएगा तो दोबारा कोई इस पे ध्यान नहीं देगा, RCC लगवाने की बात कह रहे हैं लोग। प्रधान ने भी कहा कि जो हो सकेगा वो हम काम कराएंगे, लेकिन यहाँ पर ग्रामीण बता रहे हैं कि क्यों ये बता रहे हैं, देखो सुनो, ये कह रहे हैं, ये अब प्रधान जी कह रहे हैं, हम अभी उस दिन लिखित में दिया, अभी कह रहे हैं, अभी प्रधान जी ने कहा हम 2 अक्टूबर 2023 को विधायक जी से जब कहे थे कि विधायक जी हमारे इधर का रास्ता बहुत खराब है, तो विधायक जी ने कहा, प्रधान जी से कहा कि हमको लिखित में दीजिए, प्रधान जी लिख करके दीजिए, तब 1 साल हो गए 2 अक्टूबर आने वाला, आज ये लिख करके दे रहे हैं, कह रहे हैं अभी तक लिख के नहीं दिया, बता रहा है, ये बता रहे हैं अभी तक लिख के नहीं दिया, विधायक ने मांगा था आपसे लिख के दिया था, कहने पास हो जाएगा, परेशान तो है, ये तो बता रहे हैं लिख के दिया था। दो तीन बार आए प्रधान जी कैलाश मौर्य ने मिलकर, नापा इसको कहीं 17 दिन नहीं बीतेंगे RCC लगवा देंगे, RCC या डमरू लगा, बोलिए प्रधान से बात, सत्य है ये जो बता रहे हैं, तो सामने पब्लिक कह रही है, आप बताएं। प्रधान जी ने हमारे इधर 4000 ईंटें लगवाए, उसमें से जो ईटा शेष बचा हुआ था वो ले गए, कहने लगे कि हम तुम्हारे इधर नाली बनवाएंगे, और नाली नहीं बनती है तो लोगों के हम जो है वो बनवाएंगे सोखदान,
सौ दान और कुछ नहीं, ईटा भरा लिए चले गए। हम लोगों के साथ में तुष्टि राजनीति हो रही है, हम लोग यस्सी है इसलिए हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। ये सौतेला नहीं होता तो जहाँ आरसीसी बनी वहीं पे नाली बना दिया, यहाँ पे एक नाली और ना जो है एक सौगान बना हुआ है, कुछ नहीं, सौतेला व्यवहार हो रहा है। प्रधान जी तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। क्यों ये लोग कह रहे हैं सही बात? प्रधान यहाँ से जनता जब सामने कह रही है तो वो भाग खड़े हुए, ये सच कह रहे हैं, सच कह रहे हैं। अगर ये खड़ंजा लगवाने की बात कर रहे हैं तो खड़ंजा लगवा लो उसके। अरे खड़ंजा लगेगा, खड़ंजा लगेगा। आज से हमने बता दिया कि प्रधान जी कह रहे थे अगर जो इसको हम इंटरलॉकिंग लगवा देते हैं तो एक साल तक हमारा बजट नहीं आएगा, और बजट नहीं आएगा तो हम पैसा कहाँ से कमाएंगे, तो समस्या होगी उनकी भी, समस्या होगी, इसीलिए वो नहीं कर पा रहे हैं। यही कह रहे हैं हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, कुछ भी नहीं करा रहे हैं। कितने साल से पड़ा है खराब? ये 20 साल से पड़ा है, ये लगभग ये गड़बड़ तो जो है 5 साल से हुआ है, 5 साल से। इससे पहले तो जो है लोग निकल जाया करते थे। 450 मीटर है? हाँ 450 मीटर। सुबोध वाजपेयी के घर से डल्लादास बाबा के वहाँ तक, जैसा कि आप लोगों ने देखा पूरी तरीके से यहाँ पर पब्लिक, क्यों ये जब बात कही है सही है, किसी के दबाव में तो नहीं कह रहे हैं, कोई दबाव नहीं, आप देख लीजिए। जी का घर बमनावा में है, ये बमनावा विधायक जी का घर जो बना हुआ आवास, विधायक जी का गांव ये है बमनावा। अच्छा, और विधायक जी के गांव में ऐसा हो रहा है, इतने बड़े रास्ते खराब है, बताइए विधायक जी का खुद आवास गांव में होते हुए बमनावा ग्राम सभा में अभी इतनी बड़ी लोगों को।